लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे लास्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ इस वॉच से रिलेटेड। देखो कितनी फास्ट चल रही है ना, तो ये आपको ट्रिक्स आजमा लेनी है जिसकी वजह से ये वॉच बहुत ज्यादा फास्ट जेट्स भी काम करते हैं। ऐसी बात नहीं, यहाँ पे देखो यहाँ पे हार्ट रेट में मैं टाइप करूंगा तो यहाँ पे आपका हार्ट रेट खुल जाएगा इधर की साइड से, और उसके बाद यहाँ पे म्यूजिक प्लेयर पे जाएंगे तो यहाँ पे म्यूजिक प्लेयर टाइप आपको करना क्या है, यहाँ पे मल्टी टच सपोर्ट तो है नहीं, यहाँ पे डबल टैप करना पड़ेगा आपको तो यहाँ पे जूम होगा। देखो गाइस आज मैं आपको पेयर करके दिखाऊंगा जो स्नैप 4G वॉच है हमारी फायरबोल्ट की, इसको आप आईफोन से कैसे पेयर कर सकते हो। यस, यहाँ पे मोबाइल असिस्टेंट का ऑप्शन मिलता है कि नहीं मिलता वो भी हम चेक कर लेंगे। यहाँ पे पावर सेवर मोड में ऑफ कर देता हूँ, तो इस तरीके से देखने को मिल जाती है वॉच। इसका मैंने रिव्यू अनबॉक्सिंग कर रखा है, जाके आप चेक कर सकते हो, फुल रिव्यू कर रखा है मैंने वॉच का, काफ़ी अच्छी वॉच है। 10 इसके हिडन ट्रिक्स बताऊंगा आप सभी को इस वीडियो में जो आपको शायद ना पता हो, एंड बहुत जल्दी इसका एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा जो इशू रिजॉल्विंग वीडियो जिसको आप कह सकते हो। अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो जो भी फायरबोल्ट की स्नैप 4G से रिलेटेड आपको इशू आ रहे हैं, ठीक है, मेरे को जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे अगर आपको यही वाला वॉच फेस चाहिए सबसे पहले तो आप इस वीडियो पे बने रहिए। वैसे आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो, साथ में आप हमारे टेकबॉक्स चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे हम बहुत ही कमाल की डील डालते रहते हैं, लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर आपको ये वाला वॉच फेस चाहिए तो आपको करना क्या है, टैप एंड होल्ड करना है यहाँ पे, और इधर की साइड जाके यहाँ पे देखो मैंने बहुत सारे वॉच फेस डाउनलोड कर लिए हैं, तो आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो ये वाला वॉच फेस भी। आपको यहाँ पे जाना मार्केट पे, वॉच फेस मार्केट पे जाना है आपको, उसके बाद ये आपको वॉच फेस मिल जाएगा। तो जैसे ही आप डीप डाइव करोगे मतलब थोड़ा और नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको प्रोफेशनल टाइप के वॉच फेस देखने को मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ आपको विजेट्स वाला भी आपको सेक्शन मिल जाएगा। थोड़ा सा और नीचे जाते जाओगे थोड़े से कार्टूनिश हैं, इसमें कार्टूनिश टाइप के ज़्यादा दे रखे हैं, विजेट्स वाले जो कह सकते हो प्रोफेशनल वाले टाइप के वो बहुत कम दे रखे हैं। तो ये है थोड़ा सा, एंड आपको और जाना ये रहा, देखो ये रहा विजेट्स वाला आपको मिल गया, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, मैंने डाउनलोड कर रखा है ऑलरेडी। यहाँ पे विजेट्स भी काम करते हैं, ऐसी बात नहीं, यहाँ पे देखो यहाँ पे हार्ट रेट में मैं टाइप करूँगा तो यहाँ पे आपका हार्ट रेट खुल जाएगा इधर की साइड से, और उसके बाद यहाँ पे म्यूजिक प्लेयर पे जाएंगे तो यहाँ पे म्यूजिक प्लेयर डायरेक्टली खुल जाएगा आपका, और उसके बाद यहाँ पे ये कॉल्स पे चला जाएगा डायरेक्टली, तो ये काम करता है, और कैमरे पे यहाँ पे डायरेक्टली चला जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा है इस वाले उसको। ये फर्स्ट ट्रिक होगी आपकी, है ना, ये आपको शायद नहीं पता होगा। सेकेंड इसमें थिंग मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सेकेंड ट्रिक जो है इसकी, यहाँ पे ये जो आपको इसमें ब्लैक मिलेगा पीछे की साइड, ये जो है ना इसका बैकग्राउंड आपको कैसे चेंज करना है, ये सेकंड ट्रिक है। यहाँ पे जाना है आपको स्टाइल में, स्टाइल में जाके यहाँ पे वॉलपेपर, यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो वॉलपेपर जॉन सा आपको लगाना है। ये देखो ये होम स्क्रीन वाला वॉलपेपर मिल जाता है आपको बेसिकली, जो इन ऐप स्क्रीन वाला, देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे ये सेकंड ट्रिक होगी, यहाँ पे पीछे की साइड आप वॉलपेपर लगा सकते हो क्योंकि आपकी वॉच में आई थिंक ब्लैक ही ब्लैक आ रहा होगा, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। थर्ड जो ट्रिक है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, थर्ड जो ट्रिक है यहाँ पे सेटिंग पे जाना है आपको, और ये मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा, मैंने वीडियो में बता रखा है वैसे ये, इसको अभी हम काउंट ही कर लेंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ये पाम प्रेस स्क्रीन जो आपको ड्रीम वॉच में भी नहीं मिलता, आपका पाम है आप यहाँ पर रख दो और ये ऑफ हो जाएगी डिस्प्ले, तो ये एक फीचर है इसमें देखने के लिए मिलता है जो कि हम काउंट कर लेंगे। फोर्थ इसका जो कह सकते हो ट्रिक, या आप कह सकते हो जो भी आप कहना चाहो, तो फोर्थ इसका पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, तो यहाँ पे SOS का ऑप्शन मिलता है, वन क्लिक हेल्प का ऑप्शन, तो यहाँ पे आप एमरजेंसी कॉन्टैक्ट 1, कॉन्टैक्ट 2, कॉन्टैक्ट 3 आप ऐड कर सकते हो, और यहाँ पे आप एमरजेंसी में इसको बटन को प्रेस करोगे तो SOS पे डायल हो जाएगा। तो फोर्थ ये हो गया। फिफ्थ इसका जो ट्रिक है वो फिफ्थ मैं आपको ट्रिक बताता हूँ यहाँ पे, जो है आपकी बैटरी से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखो जो बैटरी यहाँ पे शो कर रहा है 1 दिन 12 घंटे लेफ्ट करीब करीब, तो ये बैटरी जो है ना स्टैंड बाय पे शो कर रहा है, हमेशा याद रखना ये स्टैंड बाय पे है, यहाँ पे ये एक्चुअल नहीं है, जो आप यूज़ कर रहे हो उतना नहीं मिलेगा आपको बैटरी पे, को ये स्टैंड बाय पे है, स्टैंड बाय पे 1 दिन 12 घंटे चलेगी ये वॉच, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर आपको यहाँ पे बैटरी लाइफ बढ़ाना है इसका, तो आपको यहाँ पे स्लीप जो है वो आपको 15 सेकंड का रखना है, अगर आपको इसका बैटरी ज़्यादा चलनी चाहिए तो ये आपको करना है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे एक और मोड मिलता है आपको, एक परफॉर्मेंस मोड मिलता है, उसको आपको चूज़ नहीं करना है, उसको आप चूज़ करोगे तो बहुत तेज़ी से बैटरी जाएगी आपकी, तो वो आपको नहीं ऑन करना है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये रहा आई थिंक परफॉर्मेंस मोड यहीं पर ही था एक्चुअली, ये रहा एक्सेलरेशन, तो इससे आपकी बैटरी बहुत ईजी आएगी। तो ये ट्रिक के फॉर्म में ही मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे बैटरी अगर आपको सेव करनी है तो ऑब्वियसली बात है आपको ये ऑफ ही रखना है, ठीक है। हाँ, आप हैवी टास्क इंटेंसिव गेम्स या कुछ कर रहे हो तो आप ऑन कर सकते हो। फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ इसका क्या है, सिक्स्थ इसमें सॉन्ग्स कैसे डालने हैं, देखो जैसे कि मैंने डाले हैं इसमें, ज़्यादा नहीं डाले मैंने, तो सिक्स्थ सॉन्ग डालने का एक तरीका तो है ज़ैपिया, मैं आपको दिखाता हूँ, उससे ऐप ऐप कुछ भी डाल सकते हो, तो ज़ैपिया आपको इंस्टॉल कर लेना अपने वॉच में और अपने फ़ोन में भी इंस्टॉल कर सकते हो, तो इससे भी आप ऐप्स वीडियोज़ या आप चाहो जो भी मतलब जो आपके फ़ोन में है वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे, या वॉच की जो चीज़ें हैं ऐप्स हैं वो भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने फ़ोन में। तो ये एक ट्रिक हो गई बेसिकली, आपको बिना वायर के वायरलेसली आप ट्रांसफर कर सकते हो ज़ैपिया से, ठीक है।
सिक्स हो गया। सेवन्थ जो है आपका ट्रिक जिसको हम कहेंगे, यहाँ पे पीडीएफ रीडर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि डाउनलोड कैसे, मतलब पीडीएफ रीड होगी, तो यहाँ पे पीडीएफ रीडर आप सिंपली डाउनलोड कर लो, उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी पीडीएफ खोल सकते हो, आप जो आपके फ़ोन में हो, जो आपके वॉच में हो बेसिकली। तो यहाँ पे आपको रजिस्टर कर देना है पहली बार, एक्रोबेट रीडर है बेसिकली ये, तो इसको आप रजिस्टर कर दोगे, उसके बाद आपका ये ओपन हो जाएगा और जो भी आपके वॉच में पीडीएफ होगी वो आपके इसमें शो करेगा। अब बहुत सारे लोग इसको चीटिंग की तरह देखेंगे, सोचेंगे एग्जाम में ले आ सकते हैं, अब गाइस कुछ भी अलाउड नहीं है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप सब, यहाँ पे एग्ज़ाम में कुछ भी अलाउड नहीं है आपका अगर आप सोचोगे कि ये स्मार्ट डिवाइस आप ले आ सकते हो, नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो यहाँ पे रजिस्टर करने के बाद आपका ये खुल जाएगा, नॉट नाउ कर देना है इसको आपको, ट्रायल ही हमको चलाना है, कौन सा हमको पेमेंट करना है यहाँ पे, तो हो गया। अब यहाँ पे जो पीडीएफ है आपके वॉच में शो कर देगा, अब पीडीएफ तो आई थिंक इसमें है नहीं मेरे वाले डिवाइस में, एक है आई थिंक यहाँ पे वेलकम पीडीएफ, हाँ इसको मैं दिखाता हूँ आपको कैसे रीड करता है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्किप कर देते हैं, इस तरीके से आप पूरी पीडीएफ रीड कर सकते हो। अब इसमें एक ऑप्शन नहीं है जो है ये, जूम करने का ऑप्शन नहीं मिलता इसमें आपको, ये बैक चलाता है। जूम करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे मल्टी टैप सपोर्ट तो है नहीं, यहाँ पे डबल टैप करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे जूम होगा, देखो डबल टैप से जूम हो रहा है, इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से आप पीडीएफ रीड कर सकते हो, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का मज़ा भी ले सकते हो, यहाँ पे पूरा ऑफिस यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। यस, यहाँ पे आपको पीपीटी बना सकते हो, यहाँ पे आप एक्सेल शीट्स बना सकते हो, वर्ड मिल जाता है आपको, तो सब कुछ देखने को मिल जाता है यहाँ पे। गेट स्टार्टेड, यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं, और यहाँ पे प्लस करोगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप वो कर सकते हो, साइन इन लेटर कर देते हैं, ये देखो ये क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे वो कर सकते हो, स्टार्ट 30 डे फ्री ट्रायल कर देते हैं, ठीक है। आई थिंक यहीं से होगा, स्किप फॉर नाउ, हाँ ट्राई लेटर। यहाँ पे देखो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, यहाँ पे जो भी आपको वो करना है, और टेबल को भी स्कैन कर सकते हो चाहो तो ये काफ़ी अच्छा है, कैमरा ऑन करके आप स्कैन कर सकते हो तो डायरेक्टली इसमें ले लेगा, तो ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे चाहो तो वो कर सकते हो, और चाहो तो इससे भी आप वो कर सकते हो कंटिन्यू, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा काम करता है, जो आपके फ़ोन में काम करेगा वो आपके वॉच में काम कर देगा। इसको बैक करते हैं अब, तो यहाँ पे वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का मैंने आपको बता दिया। आठवां इसका ट्रिक क्या है, आठवीं जो ट्रिक है यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो फेस लॉक है इसका, जो फेस लॉक है उसको आपको ये ट्रिक के फॉर्म में मैं आपको बताऊंगा। इसका कैमरा जो है बहुत छोटा है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको एकदम वेल लिट कंडीशन में फ़ोटो अपनी इसमें अपलोड करनी है। मतलब अपलोड किया मतलब आपको ये जो फेस अनलॉक है उसमें आपको रजिस्टर करना है अपना फेस। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर आप डार्क एनवायरनमेंट में ही इसको रजिस्टर करोगे तो ऑब्वियसली बात है बार बार फेल्ड आएगा, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो ये एट्थ हो गया। नाइन्थ इसका मैं यहाँ पे बताता हूँ, हर बार आप जब कोई भी ऐप रन करते हो तो वो कहाँ से ओपन होती है, वो कहाँ से आपकी मेमोरी में रहेगी, तो नीचे वाले बटन को आपको डबल टैप करना है। यहाँ पे सारी की सारी जो एप्लीकेशन है आपकी रन कर रही है, इसको आपको ऑफ कर देना है जब आप वॉच को यूज़ ना करो, क्योंकि ये बहुत बैटरी खींचती है बैकग्राउंड में रन करती है, तो ये तो इसको आपको यहाँ से इधर कोने की साइड से क्लियर कर देना, दैट्स इट। उसके बाद एक काम और करना है, इधर की साइड जाके यहाँ पे वन क्लिक क्लियर का ऑप्शन मिल जाता है, इसको आपको यहाँ पे क्लियर कर देना है। जैसे आप क्लियर करोगे तो आपकी रैम मेमोरी जो है वो थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी, जिसकी वजह से और फास्ट चलेगी आपकी वॉच, चाहे 2 GB 16 GB हो, चाहे 4/64 वाला ऑप्शन हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे लास्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ इस वॉच से रिलेटेड। देखो कितनी फास्ट चल रही है ना, तो ये आपको ट्रिक्स आजमा लेनी है, जिसकी वजह से ये वॉच बहुत ज़्यादा फास्ट चलने लगेगी और बैटरी इशू भी नहीं आएगा आपको इन फ्यूचर कभी भी, है ना। तो ये सब इशू आपको नहीं आने वाले हैं। देखो हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलेगा क्या। नो गाइस, इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं मिलता, कोई लॉन्चर के थ्रू अगर होगा तो मैं आपको बहुत सारे लॉन्चर का रिव्यू दूंगा इन फ्यूचर, बट फिलहाल ये ट्रिक्स को एंजॉय करिए। जो लास्ट ट्रिक है वो काफ़ी कमाल की ट्रिक है, वो आपको 4/64 वाले में ही मिलती है आई गेस। ये है आपका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ऑप्शन। यस, यहाँ पे ब्लूटूथ असिस्टेंट मिल जाता है, जिसके थ्रू आप ऐप को डाउनलोड करके फोन से पेयर कर सकते हो इस वॉच को। तो हम चेक करते हैं क्या ये अभी वर्किंग है या नहीं, क्या पता अपडेट के बाद वर्किंग हो, क्योंकि अभी फिलहाल मैंने इसको टेस्ट नहीं किया, बट आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ 4/64 वाले वेरिएंट में अवेलेबल है, 2/16 वाले में अवेलेबल नहीं है। ये मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा वेरिएंट है, आप फिर बाद में बोलो कहीं 2/16 ही वाला होगा, आप बोलोगे, मैं आपको दिखाता हूँ क्लियर। ये मैंने स्ट्रैप चेंज कर रखा है, बस मैं दिखा बता रहा हूँ आपको, 4 GB वाला वेरिएंट है और 64 GB है इसमें स्टोरेज। मैं आपको स्टोरेज भी दिखाता हूँ एक बार, क्लियर हो जाए ना, कोई वो ना रहे, 64 GB है। तो 64 GB वाले में, 4/64 वाले में ये ऑप्शन मिलेगा आपको, बट ये वाला अगर आपको 2/16 में भी चाहिए तो मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन बताना, 2/16 में कैसे आपको ये वाला फीचर मिलेगा वो मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो में दिखा दूंगा। तो उसके लिए मेरे को आप वोट करिए, कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए अगर आपके पास 2/16 वाला वेरियंट है। अब इसको हमको स्कैन कर लेना है QR कोड को ऐप डाउनलोड करने के लिए, ये रही फायरबोल्ट प्रो करके, फिट प्रो करके, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है।
डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद इसको पेयर करके देखना है एक बार, अगर नहीं काम करेगी तो थोड़ा सा कुछ ओटी अपडेट की ज़रूरत है, वो कंपनी निकालेगी तभी हो पाएगा। यहाँ पे पूरा चाइनीज़ में दिखा रहा है, यहाँ पे ये री वॉच अलाउ, आई थिंक ये एंड्रॉयड में आपका उसमें दिखाएगा, आपका इंग्लिश में दिखाएगा, ये हो रहा है इसमें। जब तक ये हो रहा है एक काम करते हैं एंड्रॉयड में भी ट्राई कर लेते हैं, ताकि आप सभी को भी तसल्ली मिल जाए कि एंड्रॉयड में चाइनीज़ में तो नहीं आ रहा है। तो गाइस तरीके की वीडियोस हम बनाते रहते हैं, एक लाइक तो बनता है, एंड मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दो। टॉप 10 ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं यहाँ पे फायरबोल्ट की जो स्नैप 4G वॉच है, एंड ये लास्ट ट्रिक शायद यहाँ पे काम ना करे, कारगर साबित ना हो, क्योंकि मेरे को भी लग रहा है, थोड़ा सा डाउट हो रहा है। यहाँ पे इंस्टॉल हो रही है, ओपन करते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपको ब्लूटूथ ऑन कर लेना है, ब्लूटूथ हमारा ऑन ही है ऑलरेडी, एग्री करना है आपको, कंफर्म कर देना रिक्वेस्ट, लोकेशन सर्विसेज आपको ऑन कर देनी है जैसे आप ब्लूटूथ वॉचेस में करते हो सेम उसी तरीके से। और हाँ यहाँ पे प्रॉपर उसमें आ रहा है, बेसिकली इंग्लिश में आ रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो एंड्रॉइड में तो इंग्लिश में आ रहा है, ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे रीसेट वॉच का ऑप्शन है, यहाँ पे डिवाइस का ऑप्शन है ये रहा, तो डिवाइस में बाइंड डिवाइस पे करते हैं कन्फर्म वाइल यूजिंग दिस एप्लीकेशन, और यहाँ पे आपको स्कैन करना है इसको, कहाँ गया ये रहा बाइंड क्यू आर कोड, तो यहाँ पे कनेक्टिंग आ रहा है, फेल्ड आ गया गाइस इसमें, दोबारा कनेक्ट करते हैं। मैनुअल पेयरिंग पे तो ऑप्शन नहीं आ रहा, इसी से करना पड़ेगा हमको, आई थिंक ये काम नहीं कर रहा है, जैसे स्नैप 4G में नहीं, उसमें 4G प्रो में काम नहीं कर रहा था, इसमें भी आई थिंक काम नहीं कर रहा है। अगर गाइस काम कर जाता तो काफ़ी बेटर था, यहाँ पे आप ब्लूटूथ कॉल्स ले सकते थे, आई थिंक ब्लूटूथ कॉल तो नहीं मिलती बट नोटिफिकेशन आते आपके फ़ोन के, तो ये पेयर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे टॉप की 9 ट्रिक तो काम करेगी, 10वीं ट्रिक काम नहीं कर रही एक्चुअली, अगर इसका कोई सॉल्यूशन होगा तो ज़रूर आपको मैं बताऊंगा, बट फिलहाल गाइस यही था आपके सामने फायरबोल्ट के स्नैप 4G का एक कह सकते हो ट्रिक रिलेटेड वीडियो। अगर आपका क्वेरी इस वॉच से रिलेटेड और भी कुछ रहता तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय।